वेलकम टू जीके करंट अफेयर्स पॉइंट दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे। तो दोस्तों मैं आज आपके लिए यहाँ पर ही ऐसे पहाड़ों से जुड़े ऐसे क्वेश्चंस लेके आया हूँ जो कि आपके पिछले एग्जाम्स में कई बार आ चुके हैं और आपके अपकमिंग एग्जाम्स के लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यह वीडियो पिछले एग्जाम्स में आए गए प्रश्नों के आधार पर ही बनाया गया है, तो दोस्तों ये वीडियो पूरी देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। तो चलिए इसे शुरू करते हैं। सतपुरा श्रेणी की सर्वोच्च चोटी क्या है? धूपगढ़, जिसकी लंबाई क्या है? 1350 मीटर। नीलगिरी का उच्चतम शिखर दोदाबेटा 2636 मीटर। दक्षिण भारत के उच्चतम चोटी अनाईमुड़ी 2695 मीटर। पूर्वी घाट की उच्चतम चोटी महेंद्रगिरी 1501 मीटर। छोटा नागपुर पठार की उच्चतम चोटी पारसनाथ 1366 मीटर। हिमालय पर्वत और नीलगिरी के मध्य भारत के सर्वोच्च पर्वत चोटी गुरु शिखर 1722 मीटर। प्रायद्वीपी भारत के दक्षिणतम भाग अवस्थित पर्वत कौन सी है? इलायची पर्वत। पश्चिमी एवं पूर्वी घाट का मिलान बिंदु क्या है? नीलगिरी पर्वत। अमरकंटक किस पर्वत श्रेणी की सर्वोच्च शिखर है? मौकाल श्रेणी। दक्षिणी पठार से पालघाट दर्रे द्वारा कौन सा पर्वत अलग होता है? नीलगिरी पर्वत। धुआंधार प्राप्त कहाँ स्थित है? जबलपुर। सोन एवं चंबल नदियाँ के दिशा में प्रवाहित होती है? उत्तर दिशा में। स्टोर हाउस ऑफ मिनरल किसे कहा जाता है? छोटा नागपुर पठार। संसार की सर्वाधिक पुरानी पर्वत श्रेणी क्या है? अरावली श्रेणी। उत्तरी तथा दक्षिणी भारत के बीच प्राकृतिक विभाजक के रूप में कौन सी पर्वत श्रेणी जानी जाती है? विंध्य श्रेणी। भारत में भ्रंश घाटी से प्रवाहित होने वाली मुख्य नदियाँ कौन सी है? नर्मदा, ताप्ती एवं दामोदर। कुल्लू घाटी किस फल के लिए विख्यात है? सेब। किस तट पर वर्षा लौटते हुए मॉनसून द्वारा होती है? कोरोमंडल कोस्ट। मुंबई से गोवा तक के पश्चिमी तट को क्या कहा जाता है? कोंकण तट। गांधेर, एलिफेंटा, मिनकाय और वेलिंगटन द्वीप कहाँ स्थित है? अरब सागर में। पश्चिमी घाट को मालाबार तट कहते हैं तथा पूर्वी घाट को कोरोमंडल तट कहते हैं, ये याद रखिएगा। गंगा नदी का वाटर टावर नेपाल को कहा जाता है? ये भी याद रखिएगा। सिंधु नदी जम्मू कश्मीर के एकमात्र जिला लेह से गुजरती है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। झेलम नदी पीर पंजाल श्रेणी से निकलती है? श्रीनगर झेलम नदी के किनारे स्थित है। हिमाचल प्रदेश में चिनाब नदी को चंद्रभागा के नाम से जाना जाता है? ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। राकस ताल से निकलकर हिमालय को काटकर शिपकीला दर्रा से होकर भारत में प्रवेश करने वाली नदी कौन सी है? सलतज नदी। ब्यास और सतलुज के संगम स्थल हरिके नामक स्थल पर हरिके बराज से की भारत की बड़ी नहर इंदिरा गांधी नहर निकलती है? जौनपुर तथा लखनऊ गोमती नदी के तट पर बसा है। बंगाल का शोक दामोदर नदी हुगली नदी की सहायक नदी है। दिबांग और लोहित ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां हैं। तुंग भद्र कोयना और भीमा कृष्ण की सहायक नदियां हैं। ये दोस्तों सब सहायक नदियों के नाम हैं। मांडवी एवं जुआरी गोवा राज्य की दो महत्वपूर्ण नदियां हैं। अरावली के पश्चिम में राजस्थान का सबसे बड़ी नदी तंत्र लूनी है। भारत का सर्वाधिक ऊँचा सीधा गिरने वाला झरना जोग है, तथापि भारत का सर्वाधिक ऊंचा झरना कुंचील है जो एशिया में इस संदर्भ में द्वितीय स्थान पर है तथा इसकी ऊंचाई 455 मीटर है। भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील उलर झील है जो जम्मू कश्मीर में स्थित है। तुलबुल परियोजना इसी पर है, तुलबुल जो कि परियोजना इसी पर बनाया गया है। चिल्का झील उड़ीसा, पुलकित झील आंध्र प्रदेश एवं तमिलनाडु, कोलेरा झील आंध्र प्रदेश, सांभर झील राजस्थान, अष्टमुड़ी झील केरल, लेगुन झीलें हैं। भारत की खाड़े पानी की सबसे बड़ी झील संभार झील राजस्थान में है। भारत की सबसे बड़ी लेगुन झील छिलका झील उड़ीसा में है। पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी मीठी पानी की झील लोकटक झील मणिपुर में है। इस झील में कबुल माओ जाओ नाम का तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क है। भारत की सबसे लंबी झील बेवनाड झील केरल में स्थित है। इस झील में वेलिंगटन द्वीप है जहाँ पर नैकैन प्रतियोगिताएं होती है। तो दोस्तों ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके पहाड़ों से रिलेटेड है और आपके एग्जाम्स में इससे एक या दो नंबर के हर बार दिए जाते हैं। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए, और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए और अपने दोस्तों तक भी इसे ज़रूर शेयर कीजिए।